हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह की डिजाइनर फ्रॉक बनाएंगी और एक फ्रॉक हमने 10 साल की बच्ची के लिए बनाई है। तो चलिए फ्रॉक बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम जो नीचे वाला घेर होता है उसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है। और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगी। तो अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। यहाँ पर लंबाई हम 16 इंच लेंगे, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर ली है। यहाँ से भी हमें पार्ट को अलग कर लेना है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारा घेर है 19 इंच है, 19 को डबल करेंगे तो 39 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से घेर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आप नीचे की तरफ घेर रखना चाहती हैं। तो अब हम ऊपर वाली चोली की कटिंग करेंगे। कपड़े को देखिए हमने डबल फोल्ड किया है, फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर इसकी लंबाई हम 12 इंच लेंगे, तो 12 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ से लाइन खींच देंगे। फिर हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम 5 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेना है, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हल्की सी गुलाई कर देनी है। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हम कमर नापेंगे। कमर हमारी है 13 इंच, तो 13 को आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा 6.5 इंच आ रहा है, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी हमें निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरह से देखिए हमने पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम एक पल्ले को लेंगे और यहाँ पर गले की चौड़ाई 6 इंच लेंगे, 6 के आधे हुए 3 इंच, तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर गले की लंबाई नापनी है। गले की लंबाई हम 4 इंच लेंगे, तो यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से बॉक्स बनाकर हल्की सी गुलाई कर देनी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम पीछे वाला पल्ला लेंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करके रख लेंगे। और इसके ऊपर हम आगे वाले पल्ले को रखेंगे और यहाँ पर गले की चौड़ाई नाप लेंगे। तो हमने गले की चौड़ाई नाप ली है। गले की चौड़ाई हमें सेम रखना है। तो अब हम नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से ऊपर की साइड हमें तिरछे में लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मेरा पीछे वाला पल्ला कटिंग हो गया है और ये आगे वाला पल्ला कटिंग हो गया है। तो अब हम इस कपड़े में से
झालर की कटिंग करेंगे तो कपड़े को हमें इस तरह से डबल कर लेना है। और यहाँ पर हम झालर की जो हमारी चौड़ाई है वो हम 4 इंच लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 पट्टी कटिंग कर लिए हैं झालर के लिए। तो अब हम कमर में जो हमारी पट्टी लगती है उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फोल्ड करके सीधी कटिंग कर लेनी है। तो हमने 2 पट्टी कटिंग कर ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तिरछे में और ए बी पट्टी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए और ए बी पट्टी हमें तिरछे में ही कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 पट्टी कटिंग कर ली है और पट्टी कम पड़ेगी तो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और देखिए इतना हमारा कपड़ा भी बच गया है 2 मीटर में, तो इसमें से हम और कुछ बना लेंगे। तो अब हम इसकी सिलाई करना सिखाएंगे। तो देखिए मैंने आगे वाला पल्ला लिया है और इसकी सीधी साइड हमने ऊपर रखी है, फिर हमने पीछे वाला पल्ला लिया है और इसकी सीधी साइड हमने नीचे रखी है और यहाँ पर शोल्डर सिल लेंगे। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को सिल लिया है। तो अब हम पल्ले को उल्टा रखेंगे और आर्म होल में पट्टी सिलेंगे। तो देखिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, तो इस तरह से इसको रख के सिल लेना है। पूरे आर्म होल में हमें इस पट्टी को सिल लेना है। और बची हुई पट्टी की हमें कटिंग कर देनी है। फिर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो अब हम इस पल्ले को सीधा रखेंगे और इस तरह से जो हमारी और भी पट्टी है उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने एक आर्म होल पर पट्टी को सिल लिया है और सेम ऐसे ही हमें दूसरे आर्म होल पर भी पट्टी को सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरे आर्म होल पर भी पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम गले में झालर सिलेंगे। तो देखिए जो मैंने पट्टी ली है 4 इंच चौड़ी, तो पहले हम यहाँ से सिल लेते हैं। तो अब हम इस पट्टी में इस तरह से साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी में हमें साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से। तो अब हम इस पट्टी को गले में सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे। और रखने के बाद देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है और प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से पूरे गले में हमें प्लेटें सिल लेनी है।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने पूरे गले में झालर को सिल लिया है। तो अब हम इस पल्ले को उल्टा रखेंगे और उल्टी साइड से हमें और एवी पट्टी सिल लेनी है और इसके ऊपर हम इस और एवी पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में हमें इस और एवी पट्टी को सिल लेना है। और बची हुई पट्टी की हमें कटिंग कर देनी है। फिर हम इस पल्ले को सीधा रखेंगे और सीधी साइड से हमें इस पट्टी को फोल्ड करना है। पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से पूरे गले में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सीधी तरफ से पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है पूरे में, देखिए इस तरह से। तो अब हम इस पल्ले को सीधा रखेंगे और जो हमने सबसे पहले पार्ट कटिंग किया था घेर का नीचे के लिए, तो उसको लेंगे और इसकी सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से छोटी छोटी पलेटें डालेंगे। पूरे पल्ले में हमें इस ऊपर वाले कपड़े को कवर कर लेना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। फिर इस तरह से ऊपर की साइड एक दाब सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसी तरीके से हमने पीछे की तरफ भी घेर को सिल लिया है और आगे की तरफ भी हमने घेर को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक फूल लगाएंगे। तो कपड़े को लेंगे, कपड़ा हमारा डबल है और यहाँ पर इसकी लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। तो अब हम इस कपड़े में चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम एक कपड़े को हमें कट कर लेना है। यहाँ से देखिए ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा नीचे वाला ना कटे। कटिंग करने के बाद यहीं से हम इसको सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। तो अब हम इसमें इस तरह से छोटी छोटी पलेटें डालेंगे और बीच में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने बीच में सिलाई लगा ली है और जो हमारा कटा है वो हम नीचे रखेंगे और यहाँ पर इसको रख के सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। और दोस्तों पीछे वाला गला हमारा बड़ा है, तो अगर आपकी बच्ची का शोल्डर उतरता है तो यहाँ पर आपको डोरी लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वहाँ से नीचे 4 इंच पर हमें निशान लगा लेना है।
दूसरी तरफ भी हमें 4 इंच पर निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद हम इसमें डोरी लगाएंगे, तभी आपकी बच्ची का शोल्डर नहीं गिरेगा। तो देखिए मैंने 2 डोरी ली हैं और जहाँ पर निशान लगा है वहीं पर हमें उल्टी तरफ से इस डोरी को रख के सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने 1 डोरी को सिल लिया है और सेम ऐसे हमें दूसरी डोरी को भी सिल लेना है। तो हमने दूसरी डोरी को भी सिल लिया है, इसको पीछे की तरफ इस तरह से बांध के पहन लेना है। तो देखिए मैंने पट्टी ली है, 2 पट्टी हमें ले लेनी है और इस पट्टी को हमें जहाँ पर हमारी कमर वाली सिलाई है वहाँ पर इस तरह से रख के सिल लेना है। और सेम ऐसे हम दूसरी तरफ भी पट्टी को सिल लेंगे इसी तरीके से। तो पहले हम एक तरफ से साइड में सिलाई लगाएंगे जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उतना में छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। और जो हमारी पट्टी है उसको अंदर ही रख के सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने 1 सिलाई लगा ली है, तो अब हम इसमें 2 सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 2 सिलाई भी लगा ली है और सेम ऐसे हमें दूसरी तरफ भी साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरी तरफ भी साइड में सिलाई लगा ली है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमें 1 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से देखिए हमारी छोटी बच्ची के लिए डिजाइनर फ्रॉक सिलकर तैयार हो गई है और ये फ्रॉक हमने 10 साल की बच्ची के लिए बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।